Causes of water scarcity in India. ये है तुम्हारा पहला आने जैसा क्वेश्चन. तो इसका पहला है क्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन. दूसरा है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है. और तीसरा है पॉल्यूशन, ठीक है. फिर से ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, तीसरा पॉल्यूशन, ठीक है ना. तो हम लोगों ने बोला क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड फॉर वाटर बढ़ रही है. डिमांड फॉर वाटर सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए बढ़ रही है पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए भी बढ़ रही है. तो ग्रोइंग पॉपुलेशन में हम लोग को अंदर क्या लिखना है, क्योंकि डिमांड पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है. वाटर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, दो चीजों की वजह से, एक डोमेस्टिक यूज के लिए और दूसरा एक फूड प्रोडक्शन के लिए. दूसरा हमने बोला अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, और क्योंकि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर दिन पे दिन क्या आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. दो रीजंस की वजह से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है और इंडस्ट्रीज को भी पानी चाहिए. थर्ड, इसके अलावा वाटर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है बाय वेस्ट केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है. तो ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है. व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व वाटर, तो हमने बोला नीड ऑफ द आवर. नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व वाटर एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज, ताकि अगर पोल्यूटेड वाटर रहा तो हमें हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है. अगर वाटर नहीं रहा तो फूड सिक्योरिटी भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी. तीसरा, वाटर नहीं रहा तो हमारे लाइवलीहुड भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ना ही एग्रीकल्चर हो पाएगा ना ही इंडस्ट्रीज चल पाएंगी बिना वॉटर के. और लास्टली हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना. तो हम लोगों ने बोला कि वॉटर को क्यों प्रिवेंट करना है, तो पहली बात टू सेफगार्ड आवरसेल्फ्स फ्रॉम डिफरेंट हेल्थ हजार्ड्स, दूसरा टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, तीसरा कंटिन्यूएशन ऑफ लाइवलीहुड एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज, और चौथा क्या, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है. डैम्स के अगर एडवांटेज आते हैं तो भी यही आंसर लिखना है. जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला, तो भी यही लिखना है. डैम्स की इंपॉर्टेंस आती है तो भी ये लिखना है. यहाँ पर देखो तुम लोग को एक निमोनिक दिखेगा, रीवाईफाई, दिखा क्या, दिख रहा है, REWIFFI, ठीक है. तो रीवाईफाई का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डैम, में कौन सा वर्ड याद रखना है, रीवाईफाई. री से आर से रेक्रिएशन, ई से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डब्ल्यू से वाटर सप्लाई, आई से इरिगेशन, एफ से फिशिंग, एफ से फ्लड कंट्रोल और आई से इनलैंड नेविगेशन, ओके. तो क्योंकि ये इतने सारे पर्पस सॉर्ट करते हैं इसलिए इनको मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है. मल्टीपर्पस क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है. एग्जाम्पल देके रखा हुआ है भाखरा नांगल डैम. भाखरा नांगल डैम कहाँ पर है, सतलज रिवर, सतलज ब्यास और सतलज ब्यास बेसिन पे. और हीराकुड डैम कहाँ पर है, महानदी बेसिन पे, ठीक है. What are the causes of large-scale opposition of dams in the recent year? यानी कि कुल मिला के ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, disadvantages पूछ रहे हैं. किस क्या पूछ रहे हैं, disadvantages of dams, ठीक है ना. तो पहला बोला क्या, excessive sedimentation हो जाता है bottom of the river, जिससे seabed क्या हो जाता है, rockier हो जाता है और इससे habitat क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. This is the first point. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, जिसकी वजह से सीबेड रॉकियर हो जाता है और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ रहती है उसका जो हैबिटेट है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. आई बात समझ में. रिजर्वॉयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन्स गेट सबमर्ज्ड इन वाटर लीडिंग टू डीकम्पोजिशन ओवर टाइम, ठीक है, समझ में आया. जो रिजर्वॉयर्स या जो डैम्स कहाँ बने, फ्लड प्लेन से बने हुए, तो वहां पर बहुत सारे प्लांट्स होते होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होते होंगे जो पानी में क्या होते होंगे, डीकम्पोज हो जाते होंगे. और जब ये डीकम्पोज हो जाते, सॉरी, फ्लड प्लेन से बनते, तो क्या होता है, ओवर द टाइम जब ये डीकम्पोज होते तो इसके दो नुकसान होते हैं. एक तो जो मार्श गैस प्रोड्यूस होती है इससे, मीथेन, वो क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, तो वो एनवायरमेंट के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है. थर्ड है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट लीडिंग टू लॉस ऑफ लैंड लाइवलीहुड एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस. आ रही बात समझ में. जो लोग वहां रहते हैं जहां पर क्या होता है, डैम
बनते हैं, उन लोग को वहां से क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है. क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस. तो इससे इनका नुकसान होता है लैंड का, लाइवलीहुड का, मतलब जो उनकी कमाई के जरिए थे, और उनके जो रिसोर्सेज रहते हैं वो भी उनसे क्या हो जाते हैं, छिन जाते हैं. आई बात समझ में? नेक्स्ट, क्योंकि डैम्स इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डैम्स क्या प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज. इस चक्कर में जो फार्मर्स हैं आजकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए हैं, और इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से सॉइल का क्वालिटी दिन में दिन क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, और सोशल गैप भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. किसके बीच में, लैंडलॉर्ड्स के बीच में और लैंडलेस फार्मर्स के बीच में. आ रही बात समझ में? इसके अलावा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी बहुत बढ़ गए. जैसे कावेरी रिवर पे अगर डैम बना तो केरला और सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु लड़ रहे हैं किसका पानी, कितना परसेंट वाटर किसके पास जाएगा. आ रही बात समझ में? आयरोनिकली जब डैम्स बने थे तो वो क्यों बने थे, टू कंट्रोल फ्लड्स. आयरोनिकली जो डैम्स बने थे वो क्यों बने थे, टू कंट्रोल फ्लड्स. लेकिन अब इन्हीं डैम्स की वजह से क्या आते हैं, फ्लड आते हैं ड्यू टू सेडिमेंट. आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? बोलो कोई परेशानी, आगे जाएं, वापस से बताऊं सारे की सारे. देखो पहला हम लोगों ने बोला, सबसे पहला पॉइंट एक्सेसिव सेडिमेंटेशन. पहला हम लोगों ने क्या कहा, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, जिससे क्या होता है, सीबेड रॉकियर हो जाते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ के हैबिटेट क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं. सेकेंड, जो रिजर्वॉयर्स रहते हैं ये फ्लड प्लेन्स पे क्रिएट होते हैं. जो रिजर्वॉयर्स रहते हैं दे आर क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन्स, जो पानी में क्या होता है, सबमर्ज हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है और मार्श गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है. थर्ड है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट. थर्ड क्या है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जिससे क्या हो रहा है, लोकल लैंड भी जा रहा है, लाइवलीहुड भी जा रहा है, और रिसोर्सेज से कंट्रोल भी क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है. फोर्थ रीजन है एक्सेसिव इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से. एक्सेसिव इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्योंकि वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे क्या हुआ है, सॉइल खराब होता जा रहा है, सॉइल का क्वालिटी क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, और ओवर द इयर्स सोशल गैप बढ़ता जा रहा है किसके बीच में, रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में. ठीक है. इसके बाद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हमारे यहाँ बढ़ गए हैं इन रिलेशन टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द डैम. इन रिलेशन टू शेयरिंग ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द डैम. आयरोनिकली जब डैम क्रिएट हुए थे तो हमने कहा था ये फ्लड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बट अब क्योंकि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो गया तो डैम्स की वजह से फ्लड आते हैं. ठीक है ना. और फ्लड प्लेन्स जो थे उसके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन की वजह से पहले वो सिल्ट जो हो रहा है डिपॉजिट होता जा रहा है, जिससे सीबेड नैरो होते जा रहे हैं. इज दैट क्लियर? डैम्स की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं, बहुत सारी वाटरबॉर्न डिजीजेस भी होती है, और पेस्ट भी ग्रो होते हैं, और पोल्यूशन भी कॉज होता है. इसलिए अब दिन पे दिन डैम्स का सपोर्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इसकी जगह क्या आने लग गए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आने लग गए हैं. तो इंडिया में कौन कौन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं. तो सबसे पहला है गुल्स और कुल्स, जो कहाँ यूज होते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज में. राजस्थान में भी वाटर हार्वेस्टिंग यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर. बंगाल में इंडेंटेशन चैनल्स यूज होते हैं, जिससे हम लोग फील्ड्स को क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं. ठीक है. इंडेंटेशन चैनल में क्या होता है, जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज रहते हैं उनको एक रेन फेड मतलब जब बारिश हो रही है ना तो उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. तो एक रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जो क्या करता है, सॉइल को मॉइस्चर भी देता है और नीचे वाटर टेबल भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. इसी चीज का नाम खादन है जैसलमेर में, जोहड़ है अदर पास ऑफ राजस्थान में, बीकानेर, फलौदी, बारमर, यहाँ पे जितने भी घर है इन सारे घरों में क्या है, अंडरग्राउंड टैंक है फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो अप्रोक्सीमेटली कितने बड़े हैं, 6.1 मीटर वाइड एंड 6.1 मीटर डीप, 27 मीटर लॉन्ग एंड 2.24 मीटर्स वाइड है. आ रही बात समझ में?
अब इससे क्या होगा कि आपके अंडरग्राउंड वाटर तो टेबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आप क्या कर दोगे, यानी कि रूफटॉप जो वाटर है, बारिश में जो रूफटॉप पे पानी गिर रहा है, उसको आप पाइप से क्या करोगे, अपने घर के अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्ट कर दोगे, तो बारिश का पानी आपको कैसे मिल जाएगा, एज अ रिजर्वॉयर सेव हो जाएगा। गेंडाधुर मैसौर में, गेंडाधुर एक जगह है मैसौर में, जहां पर लोगों ने घर के ऊपर क्या करा है, रूफटॉप फैन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, इंक्रीज द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। और हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, बाय डगवेल्स, पर्कुलेशन पिट्स और चेक डैम्स। बोलो।